हिजबुल्ला के हमलों ने उत्तरी इसराइल में कहर बरपा रखा है। इन हमलों की वजह से IDF को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। इजरायली सेना जब तक संभल पाती है तब तक हिजबुल्ला दूसरा हमला कर उसे दहला देता है। अब हिजबुल्ला ने इसराइल के सीरियन गोलन में एक बहुत बड़ा हमला किया है। ये वही इलाका है जहां पर हिजबुल्ला ने अपना जासूसी ड्रोन भेजकर IDF की कई संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर ली है। दरअसल हिजबुल्ला ने सीरियन गोलन अल जोरा में IDF के एक आर्टिलरी बंकर पर कई ग्रेड टाइप रॉकेट दागे हैं। इस हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इस अटैक को लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि रॉकेट हमलों में IDF के एक आर्टिलरी बंकर में भी आग लग गई थी और IDF का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी हिजबुल्ला के इस रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान के अल तैबे इलाके में कई इमारतों पर बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि इन इमारतों में इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। वहीं गोलन इलाके में हिजबुल्ला ने IDF की 210वीं टेरिटोरियल डिवीजन की आर्टिलरी रेजिमेंट के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन का एक जत्था फायर किया। हिजबुल्ला का दावा है कि इस ड्रोन हमले में यार्डन बैरक्स में काफी नुकसान हुआ है। खुद इजरायली सेना ने माना है कि लेबनान की तरफ से यहां पर 3 आत्मघाती ड्रोन फायर किए गए थे जिससे IDF को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, जिसमें IDF का एक जवान भी घायल हुआ है जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि इसने अल रामथा और अल सुमका सैन्य अड्डे को जोड़ने वाले इलाके पर इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर बमबारी की है। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के ये हमले इजरायल की सैन्य रणनीति के लिए एक सीख है जो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला ने पिछले 9 महीनों में इसराइल पर 6,800 से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइलें फायर किए हैं और इन हमलों में करीब 710 जगहों पर आग लग गई, जबकि हजारों एकड़ जमीन आग की लपटों में राख में तब्दील हो गई है।